अल्लाह आपसे किस तरह बात करता है जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि हिंदुओं में एक भगवान है जो उनका खुदा है और वो आसमान पर रहता है, वो उनको दिखाई नहीं देता और जब वो उससे दुआ करते हैं तो उनको जवाब नहीं आता। और ईसाइयों में भी एक खुदा है, वो भी आसमान पर रहता है, वो भी उनको दिखाई नहीं देता और जब वो उससे दुआ करते हैं तो उनको जवाब नहीं आता। इसी तरह हम मुसलमानों में भी एक खुदा है, वो भी आसमान पर रहता है और वो भी दिखाई नहीं देता और जब हम उससे दुआ करते हैं तो हमको जवाब नहीं आता। तो हमारे खुदा में और दूसरे मजहब के खुदाओं में क्या फर्क है? भाई हमारा जिस खुदा पर ईमान है वो खुदा हमसे कलाम करता है, हमारे सवालों का जवाब देता है, हमारी जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई करता है और न सिर्फ हमसे बल्कि अपने हर बंदे से कलाम करना चाहता है। भाई अगर हमारा खुदा अपने हर बंदे से कलाम करना चाहता है तो मुझसे कलाम क्यों नहीं करता? भाई आपका खुदा तो आपसे कलाम करना चाहता है मगर आप अपने खुदा से कलाम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपने अपने खुदा से कलाम कर लिया तो फिर आपका तसव्वुराती और ख्याली मजहब जो आपके फिरकों ने आपको दिया है गायब हो जाएगा। भाई मैं तैयार हूँ तब्दीली के लिए मगर मुझे अपने खुदा से कलाम करना है। भाई अगर आपने आज अपने खुदा से मुतल्लिक सवाल कर लिया है तो आप पहले जरा सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 186 देखें। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। और जब तुमसे सवाल करें मेरे बंदे हुक्म पर चलने वाले मेरे बारे में, फिर बेशक मैं करीब हूँ, जवाब देता हूँ पुकार का, खास पुकारने वाले की, जब पुकारता है फिर जवाब दें मेरे लिए और ईमान लाएं साथ मेरे ताकि वो समझ पाएं। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमारा खुदा करीब है और जवाब देता है जब भी हम पुकारते हैं मगर हमें सुनाई क्यों नहीं देता? आप बताइए कि मेरा खुदा मुझसे किस तरह कलाम करता है? भाई आपके घर में एक अल्लाह की किताब है, उसका क्या नाम है? हम उसको कुरान पाक कहते हैं। भाई आप उस किताब को और किस नाम से पुकारते हैं? हम उसको कलाम पाक भी कहते हैं। जी भाई अब ये बताएं कि कलाम की क्या मानी है? कलाम के मानी बातचीत या गुफ्तगू के हैं। जी भाई और कलाम पाक के मानी एक पाक या कुरान के मुताबिक गुफ्तगू के हैं और यही किताब आप और आपके खुदा के दरमियान कलाम का जरिया है। आइए अपने खुदा से गुफ्तगू करते हैं, पूछिए आपके जो भी सवाल हैं। भाई क्या मैं जो कुछ भी चाहूं पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। ए खुदा आपका नाम क्या है? भाई अब आप सूरा नंबर 20 और आयत नंबर 14 देखें। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमी अलसलाता लिज़िक्री। बेशक मैं हूँ अल्लाह, नहीं कोई माबूद हुक्म देने वाला मगर मैं हूँ, फिर मेरी इबादत हुक्म पर अमल करो और कायम करो खास सलात राबिता मेरी नसीहत याद दिहानी के लिए। भाई क्या जवाब आया? बेशक मैं अल्लाह हूँ। ठहरिए भाई आप तो इंसान हैं, मगर ये कौन कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ? भाई ये तो अल्लाह बोल रहे हैं और मैं का लफ्ज इस्तेमाल करके बराहे रास्त बोल रहे हैं। भाई अल्लाह कहाँ से बोल रहे हैं? अल्लाह किताब में से बोल रहे हैं।
भाई अब आप जरा सूरा नंबर 50 और आयत नंबर 16 देखें। वलकद खलकना अल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैही मिन हबली अल वरीद। और बेशक हमने बनाया खास इंसान को और हम जानते हैं जो ख्यालात साथ इसके इसके नफ्स नफ्सियात में, और हम हैं ज्यादा करीब उसकी तरफ उठाई हुई से खास पहचाने वाली। तो भाई क्या लिखा है? और बेशक हमने इंसान को बनाया है। ठहरिए भाई, क्या आपने इंसान को बनाया है? आप तो खुद बनाए गए हैं, तो ये कौन कह रहा है कि हमने इंसान को बनाया? भाई ये तो अल्लाह बोल रहे हैं और अपनी अजमत दिखाने के लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और किताब के अंदर से बोल रहे हैं। तो भाई क्या आपका अल्लाह बोलता नहीं? मैं गलत था मेरे भाई, मेरा अल्लाह तो बोलता है और किताब के अंदर से बोलता है। तो ये बताइए कि आपको पहले अपने अल्लाह की आवाज क्यों नहीं आती थी? भाई वो शायद इसलिए कि मैंने कलामे पाक को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा और कलामे पाक को अल्लाह से कलाम का जरिया ही नहीं समझा। भाई कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें अल्लाह अपने बंदों से बराहे रास्त मुखातिब है और अपने हर बंदे को उसके ईमान के मुताबिक मुखातिब करता है। कहीं रसूल से मुखातिब है, कहीं कुफ्र या इनकार करने वाले से मुखातिब है, कहीं ईमान वाले से मुखातिब है, तो कहीं इंसान से मुखातिब है। और याद रखें कि अल्लाह किसी से भी मुखातिब हो, उसमें नसीहत पढ़ने वाले के लिए होती है। तो हमें इन आयात से अपने अमल को चेक करना है और जो आयात हमारे आमाल के मुताबिक हों वही हमारी मौजूदा शनाख्त होंगी। हो सकता है कि हम आयात के अहकामात का इनकार करके कुफ्र कर रहे हों, या फिर हम आयात के अहकामात के मुकाबले में अपनी या किसी और की बात को ज्यादा अहमियत देकर शिर्क कर रहे हों। और जब हम कुरान में अपना मौजूदा मकाम जान लें तो वहाँ से हमें अपने रब से रहनुमाई लेकर अपने आमाल ईमान को बेहतर से बेहतर बनाना है।